अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं का होस्ट रहमान और आप देख रहे हैं टिकुबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग अपने मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है वो आप लोग किस तरह शेयर कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप लोग अपने फ्रेंड या अपने भाई या घर में किसी के साथ अपना मोबाइल का इंटरनेट शेयर करना चाहते हैं हॉटस्पॉट के ज़रिए, सो आप लोग किस तरह शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के एक मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट मौजूद है और दूसरे में इंटरनेट मौजूद नहीं है, उसमें सिम नहीं है या सिम है पैकेज नहीं है, तो आप लोग एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को इंटरनेट किस तरह शेयर कर सकते हैं हॉटस्पॉट के ज़रिए, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर दो मोबाइल नज़र आएंगे, ओके। एक में हम हॉटस्पॉट को ऑन करेंगे, दूसरे में हम वाईफाई ऑन करेंगे, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जिस मोबाइल से आप लोगों ने इंटरनेट को शेयर करना है, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, हॉटस्पॉट को ऑन करना है। तो यहाँ से मैं हॉटस्पॉट को ऑन करता हूँ, ओके। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने हॉटस्पॉट के ऊपर थोड़ा होल्ड करना है, ओके। होल्ड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से वाईफाई हॉटस्पॉट में जाना है, ओके। सो यहाँ पे आप लोगों का जो हॉटस्पॉट का पासवर्ड है, आप लोगों ने हॉटस्पॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, ओके। सो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा, अगर नहीं नज़र आता है, ओके, सो आप लोगों ने हॉटस्पॉट पे क्लिक करना है, आप लोगों को ओपन हो जाएगा। लेकिन रिकॉर्डिंग में अक्सर जो है ना, ये हॉटस्पॉट पासवर्ड जो है ना, आपको शो ना हो रहा हो, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से ये अक्सर शो नहीं होते, ओके। सो आप लोगों ने यहाँ पे हॉटस्पॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, जो भी आप लोगों का पासवर्ड है, ओके, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, ओके। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट मोबाइल में आप लोगों ने हॉटस्पॉट ऑन किया और पासवर्ड को आप लोगों ने जो है ना, वो भी आप लोगों ने देख लिया कि क्या है। फिर आप लोगों ने दूसरे मोबाइल में क्या करना है कि यहाँ से वाईफाई को आप लोगों ने ऑन करना है, ओके। वाईफाई को ऑन करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने चले जाना है वाईफाई के ऊपर, थोड़ा होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का जो फर्स्ट मोबाइल है उसका नाम यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा मोबाइल का जो नाम है वो है Vivo V21 5G, जिससे मैं इंटरनेट शेयर करना चाहता हूँ उसी मोबाइल का नाम Vivo V21 है, ओके। सो अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं पासवर्ड इंटर करूँगा, ओके, जो भी मेरे हॉटस्पॉट का पासवर्ड है, ओके। अभी हमने पासवर्ड देख लिया कि मेरा पासवर्ड क्या है, ओके। सो वो पासवर्ड यहाँ पर मैं इंटर करूँगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप लोगों ने कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे आप लोग कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं कि पास जो हमारा इंटरनेट है, ओके, जो वाईफाई है वो कनेक्टेड हो चुका है, ओके। यहाँ से आप लोग अभी इस मोबाइल में जो भी आप लोग चाहे वो आप लोग इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब ओपन कर सकते हैं, फेसबुक ओपन करना है, जो भी करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो इंटरनेट है वो काम कर रहा है। सो इस तरह आप लोगों ने हॉटस्पॉट को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे शेयर करना है, इस इंटरनेट आप लोगों ने हॉटस्पॉट के ज़रिए इस तरह आप लोग शेयर कर सकते हैं। एक मोबाइल में आप लोगों ने हॉटस्पॉट ऑन करना है, दूसरे में आप लोगों ने वाईफाई ऑन करना है, पासवर्ड एंटर करना है, और फिर आपका जो अच्छा दोस्तों, इसके लिए शर्त ये है कि आपका जो मोबाइल है उसमें आपका हॉटस्पॉट होना ज़रूरी है, ओके। अक्सर जो है ना, पाकिस्तान में तो ये मसला नहीं है, आपका आपके पास इंटरनेट है तो आप हॉटस्पॉट शेयर कर सकते हैं, लेकिन दूसरे कंट्री से अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो अब मलेशिया में ऐसा है कि हॉटस्पॉट का अलग कोटा मिलता है, ओके। अगर आपके पास इंटरनेट है लेकिन अगर आपके पास हॉटस्पॉट का कोटा नहीं है, तो फिर आप लोग हॉटस्पॉट शेयर नहीं कर सकते, ओके। सो पाकिस्तान में हर ये इशू नहीं है, आपके पास इंटरनेट है तो आप लोग हॉटस्पॉट किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो के ऊपर एक लाइक दें, चैनल पर नए बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।